सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम आ गए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके, और आज की जो वीडियो है इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है विच इज़ बेस्ट। ठीक है, कि कौन सी सबसे अच्छी गाइड है, परीक्षा अध्ययन है या परीक्षा बोध है। तो आज की वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं सारे क्लियर कर दूंगा, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सी गाइड ज़्यादा अच्छी है, परीक्षा बहुत अच्छी है या परीक्षा अध्ययन अच्छी है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बच्चों सबसे पहला सवाल जो है वो सवाल ये है कि परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन कब तक आएगी। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो परीक्षा अध्ययन है वो आ चुकी है, पब्लिश हो चुकी है, तो कुछ ही दिनों में वो आपके मार्केट एरियाज में भी आ जाएगी, आप जहाँ रहते हो वहाँ पर भी आ जाएगी। और बच्चों रही बात परीक्षा बोध की, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जो परीक्षा बोध जो है ना वो युगबोध जो है, आपने नाम सुना होगा युगबोध, वो उसे प्रिंट करते हैं, और जो नवबोध है उसे पब्लिश करते हैं। ठीक है, देखो नवबोध तो पब्लिश करने के लिए तैयार है उसे, लेकिन युगबोध अभी प्रिंटिंग के काम में लगा हुआ है। ठीक है, युगबोध की जो पूरी है ना एक पूरी कंपनी होगी, आप भी जानते हो इंडस्ट्री होगी जो इस काम में लगी होगी। तो ठीक है, तो युगबोध अभी इस काम में लगी हुई है, और जितनी भी प्रिंटिंग्स होती है बुक कॉपीज़ की, आपकी गाइड्स की, इन सब के काम में अभी चल रहा है। ठीक है, जैसी आपकी कॉपीज़ आएंगी वैसी नवबोध उसे पब्लिश कर देगा। ओके बच्चों, तो ये आपका हो गया पहला सवाल। बच्चों दूसरा सवाल आता है परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध में से कितने नंबर का आता है। ठीक है, तो मतलब बहुत कॉमन सवाल है, क्योंकि आप नंबर्स के लिए तो इन्हें खरीदते हो। तो मैं आपको एक बिल्कुल बिल्कुल मतलब कोई कि मैं पक्ष नहीं लूँगा कि ये अच्छी है ये बुरी, मैं बिल्कुल सीधा सीधा आपको बता देता हूँ कि किस में से ज़्यादा नंबर का आता है। तो बच्चों इसकी सीधा सा जवाब है ज़्यादा मार्क्स का आता है आपका, तो बच्चों इसका सीधा सा जवाब जो रहेगा वो होगा आपका परीक्षा बोध। परीक्षा बोध में इसलिए, अगर आप परीक्षा बोध को पूरा अच्छे से पढ़ के चल जाओ ना, तो आपके 90 से 95 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, और बच्चों अगर आप परीक्षा अध्ययन को पढ़ के जाओगे तो आपके 80 करीब करीब मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये बात तो मैं आपको इसलिए एक और बात और ये बता दूं मैं आपको कि ऐसा क्यों होता है, इसमें इतना डिफरेंस क्यों है। तो वो इसलिए क्योंकि जो परीक्षा बोर्ड है उसमें थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, और जो अध्ययन होता है उसमें थोड़े से क्वेश्चन कम होते हैं। ठीक है, जब अगर आपने कभी देखी हो, आपने पुरानी देखी हो तो देखना मिला ना, जो परीक्षा बोर्ड है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, परीक्षा अध्ययन में थोड़े कम क्वेश्चन हो गए। तो बच्चों मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, कि मेरी सलाह तो मैं आपको ये दूंगा कि आप परीक्षा बोध ही ले। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा उसे रिलीज़ होने में, पब्लिश होने में, लेकिन आप उसे ही ले। ठीक है, और अगर आप फिर भी परीक्षा अध्ययन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपकी खुद की आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, टॉपर्स एटीट्यूड है आपका, है ना, कि आप खुद भी कर सकते हो, आपको बस थोड़ा सा रिविजन के लिए कोई सी कॉपी चाहिए, कोई सी गाइड चाहिए, तो आप उसे परीक्षा अध्ययन भी ले सकते हो। ठीक है, और बच्चों एक सवाल आता है कि परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन की प्राइस क्या होती है। तो बच्चों मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ कि जो इनकी प्राइजेस है वो बदलती रहती है। ठीक है, किसी भी एक सब्जेक्ट की, है ना, या फिर किसी भी परीक्षा बोध की एक फिक्स प्राइस नहीं रहती, हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्राइस होती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो परीक्षा अध्ययन है वो ओवरऑल थोड़ी सस्ती आती है। ठीक है, आपको 50-60 इन रुपीज़ मिल जाएगी, लेकिन जो परीक्षा बोध है ना वो आपको थोड़ी महंगी मिलेगी। ठीक है, अप टू आपको 150 तक, 150 रुपये तक की भी परीक्षा बोध आती है। ठीक है, कई सारे सब्जेक्ट, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट था एक वक्त था जब मैथ्स के जो सब्जेक्ट था उसकी परीक्षा बोध 150 रुपीज़ के आते थे। ठीक है, अब तो शायद कम हो गया होगा। तो आपको थोड़ी जो परीक्षा अध्ययन है वो थोड़ी सस्ती पड़ती है, और परीक्षा बोध जो है वो थोड़ी महंगी पड़ती है। बच्चों अब एक सवाल आता है कि आंसर्स किस में से लिखना चाहिए, परीक्षा बोर्ड में से या परीक्षा अध्ययन से। बच्चों इसका मैं आपको एक आंसर बता दूं कि जो आपके आंसर्स आप जो भी लिखो ना वो आप परीक्षा बोर्ड में से ही लिखो, या फिर आपकी बुक्स में से लिखो। ठीक है, जो आपके जो टीचर्स आपको बता रहे हैं वो आंसर्स आप लिखो, या फिर मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ तो उसके आंसर्स भी आप लिख सकते हो, आपको फुल ऑफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद है ना, इसके बाद अगर आप परीक्षा अध्ययन यूज़ करते हो तो उसके आंसर जो आप लिख सकते हो, लेकिन देखो इतने इफेक्टिव वो नहीं होंगे। ठीक है, कुछ मार्क्स तक तो ठीक रहेगा, लेकिन एक मार्क्स के बाद आपको इतने मार्क्स अच्छे नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं तो आपको यही कहूँगा लास्टली कि आप परीक्षा बोध ही लो। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो भी यही कहता है, क्योंकि मैंने मेरे वक्त पर भी परीक्षा बोध को ही यूज़ किया था। ठीक है, और आपको अगर कुछ भी डाउट हो और कुछ भी आपको सवाल हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करो। ठीक है, अगर आपको कुछ और कुछ बच्चों अगर इससे जो क्वेश्चन नहीं रह पाए, अगर कुछ और डाउट है आपको तो उससे आप ज़रूर कमेंट करो, उसका आंसर देने की भी मैं पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। थैंक यू।